लेकिन सबसे पहले मैं वन टू वन एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए चलता हूं प्रशांत कुमार जी के पास, जो कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है और जिन्होंने एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी लखीमपुर खीरी कांड के बाद शांति लाने के लिए। उन्होंने किसान संगठनों के साथ समझौता किया था। प्रशांत जी, आपकी और किसान संगठन के जो नुमाइंदे थे वहां पर उनकी आपस में बातचीत हुई, बातचीत के बाद आप लोग एक समझौते तक भी पहुंचे और आपने मुआवजा राशि भी बांट दी और बाकी भी अपने कमिटमेंट पूरी कर रही है। लेकिन विपक्ष इस वक्त जो आरोप लगा रहा है, मैं कानूनी दृष्टि से आपसे जानना चाहता हूं कि किसी भी आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है दोनों तरफ के, क्यों? सर्वप्रथम तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारी हम लोगों ने जो वार्ता की थी और वो जो विक्टिम पक्ष थे उनसे की थी और वहां पर जो भी लोग थे उन्होंने, वहाँ जो किसान संगठन के नेता थे उनको ये जिम्मेदारी सौंपी। उसमें वहाँ पंथ के अन्य लोग भी मौजूद थे और सबकी सहमति से ही ये बात हुई थी। ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना 3 तारीख की शाम में हुई, जिसमें कि कुल 8 व्यक्तियों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई और उसके बाद से स्थितियाँ वहाँ काफी भयावह और प्रतिकूल हो गई। तो उत्तर प्रदेश के प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि सर्वप्रथम हम कानून व्यवस्था को व्यवस्थित करें और उसके बाद से कोई कार्रवाई करें। तो त्वरित कार्रवाई करते हुए शासन स्तर से ये ट्वीट किया गया कि किसी भी हालत में जो दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे और एक हाई पावर डेलीगेशन वहां भेजा गया। और जो चूंकि किसान पक्ष लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जो मृतक किसान थे उनके शव के साथ, तो ऐसी स्थिति में जल्दी से जल्दी वार्ता करके तो ये वार्ता की गई और उनके सहमति से चीजें वहाँ अनाउंसमेंट भी की गई, कुछ अनुदान भी दिया गया, उनकी न्यायिक जांच की भी डिमांड मानी गई तथा जो भी उन लोगों ने लिख के दिया उस तरीके से FIR दर्ज की गई। इसके बाद से वहाँ पंचायतनामा हुआ, पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम के बाद से 3 शवों की अंत्येष्टि कल शाम को हो गई और एक परिजन को ये डाउट था पोस्टमार्टम के बारे में, तो उनकी बात को सर्वोपरि मानते हुए शासन के द्वारा एक 4 सदस्यीय विशेषज्ञ चिकित्सकों का दल विशेष हेलीकॉप्टर से बहराइच भेजा गया, जहां दोबारा पोस्टमार्टम किया गया और उनके परिवार जन संतुष्ट होने के बाद से उन्होंने आज अंत्येष्टि अर्ली मॉर्निंग की। तो चारों सभी शवों का निस्तारण सकुशल संपन्न कराया गया। इस बीच में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरे स्टेट में सामान्य की गई और इस बीच में जो वहां के खीरी और बहराइच के जिला प्रशासन ने यह रिक्वेस्ट किया था कि वहां किसी भी बाहरी व्यक्ति को ना आने दिया जाए, इसके संबंध में जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे उसके तहत लोगों को रोका गया। आज जब स्थितियां अनुकूल हुई तो राज्य सरकार ने जिला प्रशासन के अनुरोध पे प्रत्येक राजनीतिक दल हो या प्रत्येक गुट के 4 या 5 लोगों को जाने की अनुमति दी गई, जिसमें सबका सहयोग मिल रहा है और इसके साथ साथ एक कमेटी बना दी गई है जो 2 अभियोग पंजीकृत हुए हैं उनके उस संबंध में त्वरित गति से साक्ष्यों के संकलन के बारे में कार्रवाई चल रही है और बहुत जल्द ही हम लोग इस केस का पर्दाफाश करेंगे। और जैसा कि शासन के द्वारा पूर्व में ही स्पष्ट किया जा चुका है कि कोई भी दोषी नहीं बख्शा जाएगा, तो हम इस केस में सही अभियुक्त को पकड़ के और कोर्ट में पेश करेंगे। आपने कहा सही अभियुक्त को पकड़कर कोर्ट में पेश करेंगे, लेकिन आपने बताया कि जो तहरीर दी गई उसी के आधार पर FIR हुई है। ऐसे में जो FIR में नामित है, जिनका नाम FIR में है, आशीष मिश्रा जो कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, इस पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, इस पर उत्तर प्रदेश पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी न होने का कारण, चूंकि वो नामजद अपराधी है, तो क्या गिरफ्तारी निश्चित है? माफ कीजिएगा, निश्चित पूछ रहा हूं मैं, क्या गिरफ्तारी होनी चाहिए ऐसे मामले में? विवेचना के बाद होती है, पुलिस का प्रोसीजर क्या कहता है? हाँ, ये विवेचना, देखिए कोई भी चीज जो जिम्मेदार व्यक्ति है इसमें
अंतिम में जाके विवेचक को ही कोर्ट में गवाही देनी पड़ती है, सभी तरह के साक्ष्य। ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस में जो ह्यूमन विटनेसेस होते हैं उसके हॉस्टाइल हो जाने के भी पूरे चांसेस रहते हैं। ऐसी स्थिति में सभी साक्ष्य वहां जो है, फॉरेंसिक साक्ष्य हैं, डिजिटल साक्ष्य हैं, सभी साक्ष्य मॉडर्न तरीके से एकत्रित किए जा रहे हैं ताकि कोर्ट में हम उस चीजों को प्रॉपर तरीके से रखें और आज ही जाके स्थिति वहां कानून व्यवस्था की सामान्य हुई है तो हम आगे की कार्रवाई भी अब करेंगे और बहुत जल्द ही हम इसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी करेंगे। आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें कहा था 8 दिन के अंदर एक लॉजिकल कंक्लूजन तक हम पहुंचेंगे, तो क्या 8 दिन अब जब पूरे होंगे तब तक मोटे तौर पर इसकी विवेचना हो चुकी होगी प्रशांत जी? देखिए, जो हमारी जवाबदेही है कानून के प्रति और वो और जो कोर्ट के प्रति, हम उसके प्रति सजग हैं और हम इसमें पूरी तरीके से निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे, क्योंकि शासन स्तर से भी इस संबंध में निर्देश मिले हैं और स्पष्ट निर्देश मिले हैं, तो इस प्रकरण में दूध का दूध पानी का पानी होगा और समय रहते ही हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे। खबर यह है और किसानों का ये आरोप है, आपके पास प्रथम दृष्टया पुलिस से क्या जानकारी है, जो तिकुनिया गांव है उस पर जो ये हादसा हुआ है, इसमें आरोप किसानों का ये है कि अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा गाड़ी चला रहे थे और उन्होंने वहां पर गोली चलाई, क्या इस तरह की कोई जानकारी पुलिस के पास है? ये चीजें जैसा मैंने बताया कि पोस्टमार्टम भी हुआ है, साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं, हम लोगों ने एक नंबर भी पब्लिक डोमेन में दिया है तथा एक अपना ईमेल आईडी भी दिया है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास इस घटना से संबंधित कोई भी साक्ष्य वीडियो ऑडियो हो तो वो हमारे साथ शेयर करें, हम उसका नाम गोपनीय रखेंगे और उसके बाद से उस पर कार्रवाई करेंगे। तो हम सभी तरह के साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं और इसके अतिरिक्त ऐसे भी कुछ प्रयास हो रहे हैं कि दूसरे जगह की वीडियो को इस घटना से जोड़ के भी लोग अपलोड कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी आगाह किया गया है कि इस तरह के चीजों से बाज आए, वरना उनके विरुद्ध भी हम कार्रवाई अवश्य करेंगे। तो एक ये जटिल प्रक्रिया है, संवेदनशील मुद्दा है, इसमें कोई कार्य ऐसा नहीं किया जाएगा जो कि जल्दीबाजी में हो, जिसको लेके बाद में कोई एम्बैरेसमेंट कोर्ट या कचहरी में पुलिस को झेलना पड़े। एक आखिरी सवाल सर आपसे जानना चाहूंगा, ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव सामने हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चूंकि ये हिंसा उनके खिलाफ जाएगी इसलिए उत्तर प्रदेश पुलिस पर राजनीतिक दबाव है, क्या दबाव में काम कर रही है उत्तर प्रदेश पुलिस? जब शासन के शीर्ष स्तर से बता दिया गया है ट्वीट करके कि इसमें किसी तरह का दबाव नहीं है और जो अपराधी है या जो आरोपी है जिन्होंने ये घटना की है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी है, तो मैं दीपक जी आपसे अनुरोध करूंगा कि आप वेट करें और समय आने पे सभी चीजें साफ हो जाएंगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत कुमार जी, जी आपने हमें बताया कि किस तरह से आगे की विवेचना चल रही है और विवेचना के आधार पर यानी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर किसकी गिरफ्तारी होनी है या किसकी गिरफ्तारी नहीं होनी है ये उत्तर प्रदेश पुलिस तय करेगी।